राजस्थान में भी कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना का प्रकोप 22 जिलों तक फैल चुका है और मरीजों की संख्या 274 तक पहुंच चुकी है। अकेले राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो मरीजों की संख्या 92 का आंकड़ा पार कर गई। भीलवाड़ा में 27, झुंझुनू में 23, टोंक में 18, जोधपुर में 20, चूरू जिले में 10 और बीकानेर में भी 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 37 कोरोना रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो गए हैं। इसमें से 32 मरीजों को छुट्टी अभी तक दी जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। 22 जिले पूरे प्रदेश से इस कोरोना के संक्रमण के चलते प्रभावित हो गए हैं। सरकार काफी प्रतिबद्ध है, लेकिन मरीजों की संख्या भी दिन ब दिन यहां पर बढ़ोतरी ही दर्ज की जा रही है। 274 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए A1 संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, काफी ज्यादा गंभीर अब राजस्थान में भी स्थिति हो चुकी है। जयपुर राजधानी की अगर बात की जाए तो 92 का आंकड़ा यहाँ पार कर गया। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब 274 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। आज राजस्थान में 8 कोरोना के नए पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें झुंझुनू में 5, डूंगरपुर में 2 और कोटा में 1 कोरोना का पॉजिटिव सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आज सुबह है, लेकिन उसकी मौत देर रात हो चुकी थी, जो एक बड़ी इनकी चिकित्सा विभाग के लिए भी जो चिंता की विषय बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरह से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आज सुबह आई पॉजिटिव, लेकिन उसकी मौत रात को ही हो चुकी थी। इस तरह से अब कुल मिलाकर प्रदेश में 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो चुकी है। ऐसे लगातार कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जिस तरह से रविवार की बात करें, रविवार को जयपुर में ही 39 जो कोरोना पॉजिटिव एक साथ सामने आए, उसके बाद में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 92 हो चुका है। झुंझुनू में अब 23 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। भीलवाड़ा में 27 कोरोना के पॉजिटिव सामने आए, वहीं जोधपुर में 20 कोरोना के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो लगातार बड़ा आंकड़ा है। इस तरह बात करें तो राजस्थान में 22 जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। जयपुर में जिस तरह से लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव सामने आने से चिकित्सा विभाग भी हरकत में है, वहीं स्क्रीनिंग व्यवस्था भी इनकी तेज कर दी है। वहीं रविवार को 2 टीमें अतिरिक्त लगाई गई स्क्रीनिंग के लिए, ताकि डोर टू डोर जाकर जल्दी से स्क्रीनिंग पूरी की जाए। साथ ही जो सिम्टम्स जो कोरोना के आते हैं, उनकी सूची तैयार करके उनके सैंपल लिए जाए। इस तरह से बात करो, जयपुर के SMS अस्पताल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया, जहां पर 700 से अधिक संदिग्ध कोरोना के और जो अन्य मरीज है वो भर्ती है, जो बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। इस तरह से लगातार चिकित्सा विभाग सतर्कता बढ़ रहा है। जयपुर के SMS के साथ साथ RUHS और NIMS में भी जो कोरोना के पॉजिटिव और संदिग्ध है वो बड़ी संख्या में वहां पर बढ़ती है। जी लोकेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 274 का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है, वो पार कर चुका है प्रदेश में 22 जिले अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस बीच में जनता का ये जानना बेहद आवश्यक है कि किस प्रकार के यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि अगर दिन ब दिन अगर इनकी संख्या में बढ़ोतरी अगर देखने को मिलती है तो किस प्रकार से लोगों को धैर्य बांधे रखना है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरह कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं जनता को धैर्य रखने की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह चिकित्सा विभाग के साथ सरकार भी उनसे काम कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया था कि सभी प्रदेश के सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए और उसके बाद में सभी की नॉर्मल जाँच की जाए। एक बार जो प्रारंभिक जाँच है वो जाँच की जाए, ताकि सिम्टम्स आने वाले जो कोरोना के संबंधित जो सिम्टम्स आने वाले हैं उनका पता लगाया जा सके, उनको आइसोलेट किया जाए और संक्रमण को रोकने की प्रक्रिया की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद लोकेश। आपको बता दें, राजस्थान भर में यहाँ पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 22 जिले बताए जा रहे हैं इसकी चपेट में अभी तक आ चुके हैं। 274 का आंकड़ा राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का पार कर चुका है।